हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो भाई अभी अभी खाना वाना खा के हम लेट गए थे और अभी पता है 2:30 बज रहे हैं और बारिश बहुत जोर से, बारिश 3 बज गए पीछे से बता रहे हैं कि 3 बज गए भाई। तो जो है ना, बहुत तगड़ी बारिश आई, इतना ठंडा मौसम हो गया, बड़ा मज़ा आया। लेकिन आज सोए नहीं दोपहर में बिल्कुल भी, बच्चे दोनों ना बारिश देखने में बिजी हो गए तो इसलिए नहीं सोए। और अभी ये देखो दोनों क्या नौटंकी कर रहे हैं, लग रहे हैं टॉयज के। क्या कर रहे हो, क्या खेल रहे हो? बिल्डिंग ब्लॉक से खेल रहे हो, खेल रहे हैं। ये पैकिंग नहीं करनी आपको, करेगा? हाँ तो जल्दी करो, बहुत कम टाइम बच गया, कल ही निकलना है। हाँ कल से शायद छुट्टी से नहीं हो सकती। अच्छा, इसका पेट ही नहीं भरा, 1.5 महीना हो गया। और ये देखो, ये आराम से रेस्ट पर मार में। और भाई अभी हो गया पकोड़े का मौसम, चाय पकोड़े किसी को खाने हो तो आ जाओ। कौन बनाएगा? अभी पहले हम बनाएंगे फिर खाएंगे फिर पियेंगे। क्या पियेंगे? चाय। हाँ कौन पिएगा चाय? चाय नहीं, कॉफी। इसको खांसी जुखाम हो रहा है, पकौड़े नहीं बनाएंगे, खांसी हो रही है इसको, जुखाम। एक इस युवाम को जुखाम हो रखा है, अम्मू को खांसी हो रखी है। देखो हाँ, इलेक्ट्रिसिटी मार दूंगा। देखो, वेरी गुड, बनाओ बनाओ, शाबाश। ठीक है, वही लाइट है नहीं, लाइट जैसे ही थोड़ा मौसम खराब हुआ ना वैसे ही चली गई थी। तो अभी इसीलिए बाहर बैठे हैं सब एक फैन के नीचे, क्योंकि इन्वेटर रात भर नहीं आए तो प्रॉब्लम फंस जाएगी। तो कुछ नहीं, अपना कर रहे हैं टाइम पास, आज तो सोए नहीं, नींद आ रही है। मम्मी गई है बाहर, पता नहीं कुछ काम से या पड़ोस में बैठने, पता नहीं। तो इसलिए पड़ोस में एक मतलब ननद दी लगती है मेरी, वो आई हुई है तो उसके पास चली जाती है थोड़ी बहुत देर, या वो भी आ जाती है तो बड़ा अच्छा टाइम पास होता है। वो आती है ना तो मेरा खास करके, मेरे पास एक एक घंटा बैठ के जाती है। ले जी, फिर से आ गई बारिश, अभी रुकी थी अभी फिर से बहुत तेज आ गई, लेकिन अच्छा हुआ ठंडा मौसम हो गया। जल्दी करो टैक्सी वाले को ना पेप्सी बोलता है। क्या बोलता है वाले को? पेप्सी वाले भैया, टैक्सी वाले भैया को एक बार करके दिखाओ, कैसे करते हैं टैक्सी वाले भैया? मंदिर चलोगे, कितने पैसे लोगे? 10, 20, 30, 40, 50, 90, पूरे 100। फिर क्या होता है? 100 आता है तब क्या होता है? 100 आता है तब क्या होता है? आप लकी बन जाते हो। अच्छा, फिर आपको बाहर निकाल दिया होता है। लकी के बन जो गेम तो बाहर निकाल दिया तो किस चीज का मतलब? फिर हम तब तक ना, हाँ। एक और खेलते हैं ना दूसरे आदमी के साथ। क्या? टैक्सी वाले भैया। हाँ। और फिर ना, हाँ। तब तक आप ना अपने घर से पानी पी के आ सकते हो। अच्छा। ना के आ सकते हो। ओके। अच्छा। खेल सकते हो कुछ और। हाँ। इसीलिए उसे लकी बोलते हैं। ओ, ओके। आप बताओ अपना जमाना कोई गेम भाई। क्यों? हमने ऐसे गेम कभी खेले नहीं टैक्सी वाले। मैंने बोला आपका जमाना कोई गेम भाई, हम कंसी खेल रहे हैं और कुछ नहीं। और भाई ले आज बॉल खोल दी छोटड़ियों का, से कंची नहीं ताश है पापा ऐप से ले जाए ही सारा दिन और के कर रहे लॉकडाउन वैसे लग गो तो ताश वाला उरे गांव में खेल ली हूं कंच ला जाया करता है जब भी कैसे तन कंची नहीं ताश मारा टाइम में खेला करता भाई हम पोसंपा। ये तो मैं भूल गई, गा के सुना आता है तो पोसंपा भाई पोसंपा, लाल किले में क्या हुआ, लाला जी का ब्याह हुआ, नून मिर्च की बहू बनाई, छम छम करती पानी ले आई, फिर भी लोग गाने बुरी बताई, ऐसे कुछ गाते थे। मारा टाइम का गेम ही नहीं, के बेरो चप्पल काट के हम जक्को करके रेडी बनाया अंडा करता हम तो रेडू हाँ मतलब गाड़ी रेडू बनाया अंडा करता। ये भाई ने नया नया खिलौना चाहिए, मार भाई ने स्केट्स चाहिए, हमने बेरो बनाए थे स्केट्स होया के करे, माटी में अपना घर दाब दाब का घर बना लिया करता ना, घर दाब दाब का ना पैर दाब दाब के।
सार दिन ये खेला करता, ये भी नया नया वो आया है मंदिर वाले, क्या कौन से वाले भैया, टैक्सी टैक्सी वाले भैया, और एक नींबू नींबू और वो क्या खेलते हो, नींबू चम्मच, कैसे होता है, कैसे होता है नींबू चम्मच, नींबू मतलब खड़े, अच्छा और खड़े नींबू, नींबू मतलब आगे वाला आदमी आपको पकड़ेगा तो आप आउट हो जाओगे, ओके, चम्मच का मतलब नीचे हो जाओ तो फिर वो आपको नहीं पकड़ पाएगा, ओके, हम तीन ताली खेलते थे ना वैसे बोल रहे हैं, ठीक अब आ जा चम्मच नींबू नींबू खड़ा हो जा, कोई पकौड़ा की तैयारी जो है ना होने लग गई है, कितना टाइम है वो 3:30 बजेगा, ये देखो इनका कुछ ज़्यादा या चाव चढ़ रहा पकौड़ा खाने को, आलू भी काट लिया प्याज काटने लग रहे हैं, शाबाश काम करा करो भाग भाग के और भाई यो वालो बैग एक हमने भर भी दियो पैकिंग करके पूरा हो गए तो थोड़ा बहुत ही, और आया जब तो ट्रेन से आया था और ज़्यादा सामान ना था, और भाई ईब जो है ना फ्लाइट से जानो है तो देखो के सामान ले कर जाऊँगी के ना लेके जाऊँगी, ऑलरेडी इसमें 16 kg तो आ गो बैग में और 45 है, 30 आ गया, 30 आ गया, अरे मैं सोच रही थी बहुत सॉर्ट 30 आ गया, मतलब 15 kg और बचा है बस, है ये तो पंगा ही हो गए सामान का तो, ई पिटेगा दोनों ई पिटेगा बर्तन धोने वाला लिक्विड ने खराब कर रहा है पकोड़ों में टपका ना तो भाई यहाँ पे बनाए जा रहे हैं पकोड़े आलू और प्याज के, और साइड में चढ़ा दी है चाय, तो अभी मौसम के नजाकत को देखते हैं और मौसम के हिसाब से हम चाय और पकोड़ा का मजा लेंगे, किसी को लेना है तो आप लोग भी आ जाइए, बच्चों ने ऑलरेडी खा लिए हैं, मम्मी मैं और ममता का खाना बाकी है, तो अभी हम पकोड़े बना के पकोड़े खा लेते हैं और चाय पी लेते हैं, फिर मिलेंगे आपसे बाद में, तो भाई पकोड़े खा के हो गए हैं फ्री, और अभी जो है ना लाइट नहीं आ रही, आज तब से बारिश आई है तब से लाइट नहीं आ रही, 7:45 हो गए हैं, अभी मैं कर रही थी अपनी पैकिंग, तो कुछ सामान तो है जैसे मैंने दिखाया था एक बैग तो कर दिया है पैक, और लाइट नहीं है ना प्रॉब्लम हो रही है दूसरा बैग जो है ना पैक करने में, तो देखो कुछ सामान ये रखा है, ये सारे युवम के कपड़े हैं और एक्स्ट्रा का जो सामान है ये यहाँ पर रख दिया है, लाइट नहीं है ना तो थोड़ा सा मतलब अभी बाकी का सामान पैक करने में प्रॉब्लम हो रही है, और इन्वेटर यूज़ इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारी जो इन्वेटर है ना वो थोड़ा सा ख़राब ही चल रहा है, कभी मतलब अच्छे से काम कर लेता है कभी नहीं, तो पंगा ये है अगर रात में लाइट नहीं आई तो प्रॉब्लम हो जाएगी गर्मी में, एटलीस्ट आज कूलर नहीं चलेगा क्योंकि ठंडा मौसम हो गया तो, बट फिर भी फ़ैन तो चलेगा ही चलेगा ना, तो इसलिए कोई यूज़ नहीं कर रही अभी से, थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा फिर ऑन करूँगी तब तो लाइट ऑन करनी है, तो अभी मेरा मेकअप का सामान मेरी बैंगल्स और बस मैक्सिमम सामान तो शायद यही है, बाकी तो मोटा मोटा मैंने सब रख दिया है, तो अभी दूसरा बैग पैक करेंगे, बच्चे गए हुए हैं प्लॉट में पकोड़े खा के और फिर गए थे, भले ही बारिश आ गई हो बट ये मतलब बिना फैन वैन के तो बहुत ज़ोर से गर्मी हो रही है, देखते हैं क्या होता है लाइट आएगी या नहीं आएगी, आज तो मन है जो जीजी का लेके जाना है, क्या है बस साड़ी है और लहंगा है, ये है मुझे बैंगल बॉक्स भी मेरा निकालना है अभी से, थोड़ा थोड़ा करके ना बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है, आए तब एक बैग और एक वो सूटकेस लेके आए थे और अब तो ये तो पूरा भर भी गया और अब भी सोच रहे क्या लेके जाएं क्या ना लेके जाएं, क्योंकि वजन का थोड़ा सा हिसाब किताब देखना पड़ेगा हमें, देखते हैं करते हैं कुछ तो कुछ ना कुछ तो फिर सेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि 30 kg से ज़्यादा तो इसमें आ गया है, 30 पहले था उसके बाद ही वो हम के कपड़े डाल दिए, करेंगे भाई कुछ ना कुछ तो, और अब तो इतने दिन रुक गए बिल्कुल भी जाने का भी मन नहीं है लेकिन जाना तो पड़ेगा,
खास करके यूएम को प्रॉब्लम होगी, लेकिन अब की बार ना रो नहीं रहा है बिल्कुल भी, वरना तो हम पैकिंग करते थे तभी रोने लग जाता था, नहीं जाना नहीं जाना, अब नहीं रो रहा, अब तो ये बोल रहा है मेरी टुक टुक वेट कर रही होगी मेरा। कल की परसों ना भैया ने फोटो भेजी थी इनके फ़ोन में, तो वो दिखा दी मैंने, तो वो तब से बोल रहा है मेरी टुक टुक मम्मी वेट कर रही होगी, ऐसी सोचेगी कि भाई ना 3 दिन का नाम लेके गया, ना 30 डेज का नाम लेके गया था, और कितने दिन हो गए। तो ये तो शुक्र है कि रो नहीं रहा है, वरना तो बहुत बुरी हालत करता है, ना पैकिंग करता है ना, मतलब करता नहीं, करने देता है बिल्कुल भी, और जाते टाइम तो बड़ा भारी पंगा कर देता है। नहीं जाना नहीं जाना, बट अब की बार तो अच्छा है। तो भाई चलो अब थोड़ी बहुत देर, अभी थोड़ा दिन है तो बाहर बाहर की मैं थोड़ा काम अपना समेट लूँ, और फिर रोटी वोटी बनाऊँगी, थोड़ी बनाऊँगी रोटी तो आज, क्योंकि अभी पकौड़े खाए थे तो किसी को भूख तो है नहीं, तो थोड़ी सी और लेट बनाऊँगी रोटी। तो मैं ये देखो भाई लाइट नहीं आई भाई मारी, और ये देखो दोनों बाल कर रहे, उरे भी छेड़, गिर जाओगा मान जाओ। अब थोड़ी देर आगे हम छत पे, क्योंकि है ना उरे ठंडी ठंडो मौसम है। ए ए ए ए तो भाई लाइट तो ये इतनी पूरी छात पड़ी है, मंडे भी पड़ी बैठ जाना, दर्द कर रहा है भाई, इतनी देर बैठा सके बस भाई, तो दर्द कर रहा है। तो भाई लाइट तो आना रही, रोटी पानी बना लियो, रागा इस छात पे क्योंकि छात पे थोड़ा ठंड हो, राज आओ भी कौन है क्योंकि पैर ना के टूट गया, तार टूट गया, क्यों हुआ क्या होगा छोटे, तार टूट गए थे, मतलब अभी पता चला खम वहां ना साइड में ना एक पेड़ है, उसके पीछे उसके जस्ट सेंटर में ना एक उस पेड़ की हाइट पे ना बस एक छोटा सा खंभा है, वो टूट गया फिर, और फिर ना तार नीचे गिर गए, तो फिर बिजली नहीं आती, नहीं आएगी, नहीं आएगी पर नाइट में नहीं आई तो फुल नाइट तो हमारे पास इन्वर्टर है ना, हाँ है ना, हाँ फिर क्या टेंशन है, परेशान हो रहा है, नहीं इन्वर्टर की बैटरी खराब नहीं होगी, नहीं होगी, और हो गई तो पूरे साल चला रखी है हमने, पूरे साल चला के रखा, अगर हो गई तो भैया नहीं होती, थक रहा है, एक रात से क्या होगा, हाँ एक रात से क्या होगा। तो भाई वीडियो का कर रहे हैं यहीं पे एंड, लाइट तो आएगी नहीं कुछ और दिखाएं तो मिलेंगे फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। भाई भाई का पैर है ये बेचारो, सांस मारने लाग रहे जोर जोर, तो खड़े हो ले, ओके हाँ खड़े हो ले, ओहो अब अच्छे से बैठ जा। तो फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, चलो गुड नाइट बोलो, गुड नाइट, गुड नाइट, और कल हम तो अभी सो नहीं सकते क्योंकि हमारा तो लाइट नहीं है, हाँ। इन्वर्टर तो है ना, अभी तो बोल रहा था इन्वर्टर है, पर इन्वर्टर अभी वरना लाइट अभी तो थोड़ी यूज कर लेंगे फिर रात में, तो रात में सही कहा है ना, बहुत टेंशन से ओ ओ और पलाम पसी मैं पैर दूसरी, और हम टीवी भी नहीं देख सकते, हाँ कल तक टीवी नहीं देख सकते, फोन देखना पड़ेगा, फोन भी नहीं देखो, देखोगे फोन देखोगे ना तो हो जाएगी बैटरी लो हो जाएगी, फिर चार्ज कैसे करेंगे, अरे हाँ अरे भैया अब क्या करें, बोर होते रहूंगा। तो चलो भाई मिलेंगे फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, चलो बाय, बोलो गुड नाइट, बोलो गुड नाइट, बोलो गुड नाइट, बाय, टेक केयर, टेक केयर एंड बाय एंड गुड नाइट।